पॉलिसी टाइम कॉमर्स ऑफ चैम्बर के सचिव सेक्रेटरी मेडी वर्ल्ड सेकेंड एडिशन जो कि शिवम पैलेस के प्रांगण में लगा था, उनका कहना था कि बंगाल हेल्थ केयर सिस्टम्स को मजबूत करना ही मेरा उद्देश्य है। साथ ही साथ जहां हेल्थ केयर कैंप को किया गया, लगभग 3000 रोगी आए थे जिनको मुफ्त में इलाज दिया गया और उनका देख रेख किया गया, और इसमें 8 हॉस्पिटल्स जो है हिस्सा लिए थे, जिसमें कि 2 चेन्नई, 2 कोलकाता और 4 जो है लोकल स्थानीय हॉस्पिटल्स भी इसमें हिस्सा लिए थे। बाकी के आपको बता दें कि मुफ्त हेल्थ सेवा देना ही इनकी जिम्मेदारी ही नहीं, अपितु भविष्य में उनका सही देख रेख कैसे किया जाए ये बताना भी उद्देश्य था। और इसमें दुनिया के 40 टॉप सर्जिकल कंपनी को बुलाया गया था जो कि अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शनी किए, और टॉप बंगाल का जो डॉक्टर हैं वह भी इसमें हिस्सा लिए थे। और इनका मेन उद्देश्य है कि उत्तर बंगाल आने वाला समय में पूरे भारत में उस स्थान पे जाए कि यहाँ पे सर्जिकल प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े हब सेंटर खुले बने और यहाँ के बच्चों को आने वाला समय में कहीं बाहर जा कर के अपनी रोजी रोटी का गुजर बसर और बंदोबस्त करने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए इसी से जुड़ा हुआ एक फुटेज को देखते हैं और चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं पंकज, मेरे सहयोगी संजय भैया मेरे साथ हैं, आप सभी का स्वागत है। मेडी वर्ल्ड के पदाधिकारी जी हैं, आइए एक बार हम उनसे जानते हैं यहाँ के प्रोग्राम के बारे में और उनसे जान करके आप सभी को बताते हैं विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक आज मेडी वर्ल्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए, हमारा सेकेंड एडिशन था। फर्स्ट एडिशन हम 2-3 साल पहले किए थे मेरियट में, और ऑब्जेक्टिव था कि बंगाल के हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा मजबूत करना है, बेटर करना है। हेल्थ केयर का 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट होता है कि जहाँ डॉक्टर और हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विस देती है, और दूसरा एलिमेंट होता है जो हेल्थ केयर के जो इक्विपमेंट्स, मशीन और दवाई, क्योंकि मशीन और दवाई के बिना हम बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और दवाई नहीं, मैंने उसका ठीक नहीं कर सकते बिना दवाई का। तो हम इस प्रोग्राम में एक तरह से एक हेल्थ मेडिकल कैंप किए थे जहां 2-3 हज़ार पेशेंट आए थे, 8 हॉस्पिटल पार्टिसिपेट किए, उनमें से 2 चेन्नई से हैं, 2 कलकत्ता से हैं और 2-3 हमारे लोकल हॉस्पिटल हैं। ऑब्जेक्टिव था कि फ्री हेल्थ कैंप देके लोगों को थोड़ा सेवा देना, जो भी करें। हम डॉक्टर लोगों को, हॉस्पिटल लोगों को बोले थे कि आप फ्री सेवा, अगर जो जो चाहते हो आप आइए, फ्री सेवा दीजिए। ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक था। दूसरा एलिमेंट था, हम 40 भारत की और दुनिया के सबसे अच्छे जो सर्जिकल कंपनी है, मशीन टेक्नोलॉजी कंपनी है, उनको बुलाए हैं, वो अपना प्रोडक्ट एग्जीबिशन किए हैं। टॉप भारत की, बंगाल की जो हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, उन लोगों के लिए खास ये बनाया गया है ताकि वो लोग आए, नेटवर्क करें, कुछ जो उनकी जो ड्रीम होता है, एक सपना रहता है कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊँ, वो करें। इसके पीछे जैसे हम पिछले साल किए थे तो SI सर्जिकल ने 15 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा मेडिकल मॉल शोरूम बनाया, उसमें आज 50 बच्चे नौकरी कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं ऐसे और 10 कंपनियां आए, इधर का जो सर्जिकल और मशीन टेक्नोलॉजी और दवाई की जो बिजनेस है वो भी तरक्की करें। तो उससे क्या होगा, बंगाल के बहुत बच्चे रोज़गार मिलेंगे, जो पढ़े लिखे बच्चे जिनको जॉब के लिए कलकत्ता या दूसरे शहर में जाना पड़ता है, वो आप लोकली जॉब कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म में इसको एक कार्यक्रम में कोई गेस्ट भी थे क्या सर? हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर साहब हमारे थे, पीयूष कांति रॉय जी थे, हमारे नेपाल से ज्ञानेंद्र मान सिंह कार्की जब से बहुत बड़े रिनाउंड डॉक्टर हैं और बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के या हॉस्पिटल के मालिक हैं, हमारे प्रियदर्शन कोनार जी कल आएंगे, गौरव अग्रवाल जी हैं जो सबसे बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट मैंने कैंसर का बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर नातेश बाला हैं रिनाउंड आपका चेन्नई के डॉक्टर हैं, ऐसे कई सारे डॉक्टर ही, क्योंकि ये डॉक्टर का कार्यक्रम है तो हमने डॉक्टर लोगों को यहाँ पे लाए और सर्जिकल कंपनी के जो लीडर्स हैं उनको लाए। सर, ऐसे समय में क्या समाज को आप संदेश देना चाहेंगे? एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, नौकरी जो है हमें काबिल बनना है पहली बात, और काबिल बनने का एक अच्छा समाज बनाने का 3 पिलर है, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंडस्ट्री यानी व्यापार। तो हमको ध्यान रखना, क्योंकि व्यापार से पैसा आएगा, व्यापार से रोज़गार आएगा, तो हमको यंग जनरेशन को व्यापार पे तैयार करना है कि किस तरह से बड़े बड़े अच्छे अच्छे और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल हम बना सकते हैं। और आजकल बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं छोटे छोटे शहरों में, अब वो लोग ढूंढते हैं कि ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी बंदा मिले, ऐसा कोई बंदा मिले जिनके मैं भरोसा करके मैं पैसा लगा सकता हूँ। आजकल 40-50
करोड़ रुपए बड़े बड़े ग्रुप्स आराम से लगा सकते हैं, लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं। हम क्या करते हैं, अंतिम सवाल सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला सर इस तरह? क्योंकि मैंने दिल्ली में 22 साल रहा और मैं हूँ उत्तर बंगाल का, लेकिन मेरा पढ़ाई और सब कुछ दिल्ली में हुआ और सरकार के साथ हुआ, और हम बहुत नेक तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से सोच से ये डेवलप होता गया। फिर मैं क्योंकि उत्तर बंगाल के हूँ तो दिल्ली का हमारा काम अच्छा, हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो वो करने के बाद हमने फिर तय किया कि जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी का है, वहाँ आके भी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ कर सकते हैं। हालांकि ये बंगाल में कुछ करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका बनाना पड़ेगा ऑनेस्ट बना, क्योंकि ऑनेस्टी अगर नहीं है वो अमीर नहीं बन सकता, बात है। क्योंकि जो अमीर बनेगा उनको दवाई के साथ साथ थोड़ा डॉक्टर के दिमाग में क्या है वो सुनना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब बोलिए कि मैं अच्छा हूँ, डॉक्टर साहब बोलिए कि मैं इस तरह से ठीक हो सकता हूँ। उनको समझना होता है कि क्या दवाई खाना चाहिए, उनको समझना होता है मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, उनको समझना होता है मैं सुबह खाली पेट में खाऊं शाम को खाली पेट में, उनको बेसिक हेल्थ की कुछ टिप्स चाहिए होता है। अब डॉक्टर साहब इतने सारे पेशेंट हैं, 50 पेशेंट लाइन में खड़ा है, हर कोई को बोलने लगे तो बड़ा मुश्किल होता है। उस तरह से इनोवेटिव कुछ मॉडल डेवलप करना होगा, एक तरह से एडुकेशन भी दे रहे हैं, कॉम्पेशन प्यार भी दिखा रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। ये मॉडल अगर आ गया तो मज़ा आ जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये तीनों एलिमेंट डालना चाह रहे हैं इसमें, और एक कार्डियो, ऑर्थो, न्यूरो, यूरो, ये सारे ऑनको माने कैंसर का भी दवाई, ये सारे डिपार्टमेंट आए थे, जनरल मेडिसिन थे, इस तरह से भी थे। अभी एक कमी थी डॉक्टर, आई की डॉक्टर, हालांकि आई की डॉक्टर तीन थे लेकिन पेशेंट भी बहुत आए थे, वो कनेक्ट हम नहीं हो पाए। तो इस तरह से ये चार पांच डिपार्टमेंट आज का पेशेंट थे वो क्या उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था था सर, पूरा कोई हम पैसे नहीं लिए। आगामी कल भी ये रहेगा निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं। सीमा क्या रहेगा कल का? सुबह 10:30 से शुरू करके 2:30 बजे तक चलेगा। थैंक यू सर। अब अपना नाम और डेजिग्नेशन। मेरा नाम अक्रम हक है, मैं सेक्रेटरी हूँ पॉलिसी टाइम्स चैम्बर। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्या मूर्ति नदी लाटागुड़ी।